हम आप कोई भी कर्म श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक नियम पूर्वक नहीं कर सकते। क्यों? अपने बारे में सोचेंगे तो पता चलेगा हमारा अहम आड़े आ जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, तामसिक व्यक्ति अपना नुकसान उतना नहीं करता है, राजसिक व्यक्ति उससे अधिक अपना नुकसान करता है, लेकिन सात्विक व्यक्ति तामसिक और राजसिक दोनों से अधिक अपना नुकसान कर लेते हैं। क्यों? एक प्रसंग हम आपको इसको सुनाते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बहुत ही धार्मिक विचार के, सत्य विचार के व्यक्ति थे, बहुत से सुंदर परिवार भी उनका था, हमेशा पूजा पाठ धर्म कर्म इत्यादि में सदा लगे रहते थे और प्रत्येक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में एक महीने कल्पवास के लिए भी जाया करते थे। एक बार वो कल्पवास में गए हुए थे कि सुबह उठे, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, अपने बेटे को जगाया और कहा बेटा चलो स्नान करते हैं और वहीं पर बैठ करके कुछ जप तप भी करेंगे, जप करेंगे। बेटे ने कहा हाँ बाबूजी चलिए। बेटा भी उठा, नित्य कर्म से निवृत्त हुआ और पिताजी के साथ स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर पहुंच गया। दोनों लोग गंगा माँ को प्रणाम किए, दंडवत किए, स्नान किए, दान किए, जप कर रहे थे, गोमुखी हाथ में लिए दोनों लोग जप कर रहे थे। गोमुखी में हाथ डाले लड़का बार बार आंखें खोल ले, खोल कर बोला, बार बार खोलता और बोला बाबूजी बताइए ये लोग सो रहे हैं, क्या इनका पाप चढ़ा हुआ है? ये कैसे लोग हैं यहाँ पे आकर के भी सो रहे हैं और कुछ जप तप नहीं कर रहे? इतना समय हो गया अभी सो रहे हैं। राम राम, फिर आंख खोला बोला बाबूजी अब तक सो रहे हैं, कैसे पापी लोग हैं? बार बार ये पिताजी को इंगित करता। पिता ने गोमुखी पकड़ ली, बोले तू भी सो जा। बेटे ने कहा क्यों पिताजी, क्यों मैं सो जाऊं, मैं तो जप कर रहा हूं, मैं क्यों सोऊं, ये पापी लोग सोए। पिता ने कहा बेटा वो तो सो करके पाप कर रहे हैं और तू जाग कर पाप कर रहा है। बेटा बेटा बोला कैसे? पिताजी ने कहा वो सो रहे हैं तो तीर्थ में सो रहे हैं, किसी की निंदा तो नहीं कर रहे हैं, और तू जाग कर भी निंदा करके पाप बटोर रहा है। सात्विक व्यक्ति तामसिक और राजसिक व्यक्ति से अधिक अपना नुकसान करता है। पिताजी ने कहा बेटे जिसको राम जी जैसा रख रहे हैं उसको वैसा रहने दो, जो 10 बजे उठता है उसको 10 बजे भजने दो, उसको प्रभु 10 बजे मिल जाएंगे, कोई 3 बजे सोकर उठ रहा है तो उसके राम जी 3 बजे मिल जाएंगे, उसको करने दो जो कर रहा है। अरे तुमको बदलना है तो अपनी घड़ी बदल लो, समझ लो कि दिन के 3 बजे के स्थान पर रात के 3 बजे हैं। करते करते 3 बजे शाम को पूजा करने वाला 12 साल लगातार करता रहे तो अपने आप सुबह के 3 बजे पूजा करने लगता है वही व्यक्ति। धीरे 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 वो अभ्यास में उसके नित्य कर्म में आ जाता है और 3 बजे दिन के बजाय अब 3 बजे रात में पूजा करने की उसकी आदत पड़ जाती है और करने लगता है। ये धीरे 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 अपने आप जो है उसका स्वभाव, उसका संस्कार बदलने लगता है। कैसे भी करो, सोकर उठकर नहाकर खाकर पीकर करो, बस भगवान का भजन करो, भगवान का जाप करो, भगवान की पूजा अपने हाथ से करो। जब अपने हाथ से पूजा करेंगे तब प्रेम बढ़ेगा। पड़ोसी के पालने से लल्ला के खिलाने का सुख नहीं प्राप्त होता है, अपने खिलाओ लाला को, अपने खिलाओ तो सुख बढ़ेगा। परमात्मा की सेवा अपने करेंगे अपने करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, सेवा नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। कलयुग में तो केवल एक उद्यम है जिससे अहम नहीं होता है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम सुमिरन करें, जप करें, ध्यान करें, भगवान के नाम रूप लीला धाम
जो भी मन में बस जाए यदि करते रहे तो अहम अपने आप दूर भाग जाता है। कलकाल में नाम कैसे भी गाओ भक्ति बढ़ती है, बैठ कर गाओ, सो कर गाओ, खा कर गाओ, चलते फिरते गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ। नहीं गाऊंगा, तुम गाओ, क्या नहीं गाओ, गाओगे ये नहीं बोलेगा, लेकिन ध्यान रहेगा कि राम का नाम नहीं गाऊंगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाई कुभाय अनखयालसहू नाम जपत मंगल दिसि दसहू कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में तो सिर्फ भगवान का नाम ही है जो सब पापों से छुटकारा दिला सकता है। कैसे भी करें, उठते बैठते सोते जागते जैसा भी वंश बढ़े, भाव से कुभाव से भगवान का भजन करें, भगवान के नाम का जप करें, तो निश्चित रूप से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि जो सात्विक व्यक्ति होता है वह तामसिक और राजसिक व्यक्ति से अधिक अपना नुकसान कर लेता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।